मध्य प्रदेश का कैसा सत्यानाश किया है, हमारे किसानों का सत्यानाश, हमारे युवाओं का सत्यानाश, हमारे निवेश का सत्यानाश, हमारे पोषण का सत्यानाश, हमारे शिक्षा और स्वास्थ्य का सत्यानाश, नर्मदा का सत्यानाश, गौ वंश का सत्यानाश, ये इनके सत्यानाश का इतिहास है। कोई नेता या कमलनाथ तय नहीं करेंगे कोई सीट। हमारे सर्वे चल रहे हैं, हमारे AICC के सेक्रेटरी हैं, हमारे प्रभारी हैं, वो सब संगठन के लोगों से बात कर रहे हैं। जो उनका इनपुट आएगा कि जब तक स्थानीय लोग उस उम्मीदवार से ना जुड़े हुए तब तक कोई मतलब नहीं होता। तो इसलिए सबसे ज़्यादा मैं महत्व देता हूँ जो स्थानीय लोग हैं उनका क्या कहना है, उनसे पूछताछ के लिए हमारे AICC के सेक्रेटरी, हमारे प्रभारी, हमारे दिल्ली से जिनको चुनावों का बहुत अभी अनुभव है, ये नियुक्त किए जा रहे हैं, जो 5-6 दफा चुनाव लड़े हुए हैं, जो मंत्री रहे हुए हैं, ये लोग भी जाके सब से चर्चा करेंगे और उसके मुताबिक फैसला होगा। सर जी तो कुछ समय पहले कैंडिडेट डिसाइड करके और उनको एक समय दिया जाना चाहिए। देखिए जैसे जैसे इसकी जानकारी पूरी हो जाती है हम कैंडिडेट को बता देंगे, घोषित कर देंगे, उसको बता देंगे कि आप ही हमारे उम्मीदवार हो, हम काम चालू करें। सर जिस तरह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना चालू की है और आपके द्वारा लाडली बहना को 1500 रुपए का जो घोषणा की है उस पे भाजपा बोल रही है केवल कांग्रेस हमारे काम पर दिखावा कर रही है का विरोध हुआ 160, ये तो मीडिया में आया। आज खातेगांव जो पिछड़ा हुआ है, जैसे मैंने कहा शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और शिवराज जी रोज लगातार कुछ ना कुछ घोषणा कर रहे हैं। ये केवल घोषणा की मशीन नहीं है, ये तो झूठ की मशीन है। इनका खाना नहीं हजम होता बिना झूठ बोले हुए। ये महाराज शिवराज, झूठ के महाराज, ये हमारे शिवराज हैं। पहले तो कहते थे, लगातार कहते रहे किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ, तो विधानसभा में आंकड़े दिए, खुद दिए इन्होंने कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। तब इन्होंने कहा कि संबल योजना बंद कर दी, अब विधानसभा में इन्होंने कहना पड़ा नहीं बंद नहीं हुई। पर जिस कोई ऐसा दिन नहीं जाता जो ये झूठ नहीं बोलते। 215 महीनों में घोटालों की बात ले लीजिए, 215 घोटाले केवल हमारे पेपर में लीक होते, एग्जाम के पेपर में लीक होते, स्कूल भी लीक होते हैं। आज हम कहाँ जा रहे हैं, मध्य प्रदेश का कैसा सत्यानाश किया है, हमारे किसानों का सत्यानाश, हमारे युवाओं का सत्यानाश, हमारे निवेश का सत्यानाश, हमारे पोषण का सत्यानाश, हमारे शिक्षा और स्वास्थ्य का सत्यानाश, नर्मदा का सत्यानाश, गौ वंश का सत्यानाश, ये इनके सत्यानाश का इतिहास है। तो मैं चाहूंगा अब आप कुछ पूछना चाहें तो मेरे से पूछ लें। घटना से हमारा युवा क्षेत्र पूरे प्रदेश के बदनाम हुआ। 25 साल से खातेगांव में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। 25 साल जिन्हीं जिन्हीं विधानसभा का क्षेत्र होंगे पूरे प्रदेश में, जहां 25 साल का ऐसा इतिहास है। हमारे जो नौजवान ये खड़े हैं, इन्होंने केवल भारतीय जनता पार्टी देखी है, सही बात है ना। 25 साल और 25 साल में लगातार 5 बार जीतने वाले विधायक से मैं पूछना चाहता हूं कि आज खातेगांव क्यों इतना पिछड़ा है। शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करें, 128 गांव हैं यहां जहां पानी नहीं पहुंचा, सही बात है। और 25 साल का आपने उनको पुरस्कार देते रहे, आप उन्हें पुरस्कार देते रहे। हमारा भटकता हुआ नौजवान, हमारे कोई उद्योग नहीं, ये 25 साल का इतिहास। चुनाव
आते हैं। हर चुनाव का अपना मायने होता है, पंचायत का चुनाव होता है, जनपद का चुनाव होता है, जिला पंचायत नगर निकाय के चुनाव होते हैं, हर चुनाव का अपना मतलब होता है, अपना हर्ष होता है हर चुनाव का। आप लोकसभा में चुनाव होता है उनको चुन के दिल्ली भेजते हैं, विधानसभा में आप भोपाल भेजते हैं, हर चुनाव का अपना मतलब। 5 महीने बाद जो चुनाव है इसका क्या मतलब? आप किसी पार्टी या किसी उम्मीदवार का फैसला केवल नहीं करेंगे, आप घाटे गांव विकास और मध्य प्रदेश के भविष्य का फैसला करेंगे। ये आपको सोचना है, ये कैसा भविष्य हमारे मध्य प्रदेश का होगा। आज पूरे घाटे गांव का मुझे तो ताज्जुब है, मैं भी 44 साल से चुनाव लड़ रहा हूं, मैं चुनाव जीत रहा हूं, मुझे ताज्जुब होता है यहां आकर कि 25 साल का ये उपेक्षित इतिहास और कौन से नशे में है। मैं तो पूछता हूं, बुरा मत मानिएगा, मैं तो पूछता हूं कि कौन से नशे में खाते गांव के मतदाता है कि उनको दिखता नहीं है कि कितना उपेक्षित है। ये मैं प्रश्न अपने आप से पूछता हूं कि कोई भी क्षेत्र है, मुझे चिंता होती है जब मैं नौजवानों की तरफ देखता हूं। आज हमारा बेरोजगार नौजवान जो हमारे विकास का, हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेगा भविष्य में, इसका ही भविष्य अगर अंधेरे में रहा तो क्या होगा। पूरे विश्व में मशहूर है, कई देशों ने बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की नकल करी, पर अगर संविधान गलत हाथों में चला जाए तो क्या होगा। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, आप कैसा प्रदेश, कैसा देश आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं। आप इस संस्कृति के रक्षक हैं, आप इस संविधान के रक्षक हैं, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारे नौजवान के भविष्य के लिए आप इसके रक्षक हैं। ये आज हमारे सामने प्रश्न है, चुनाव के हैं, प्रगति के हैं, विकास के हैं, बेरोजगारी के हैं, कृषि क्षेत्र के हैं, पर साथ साथ ये बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे सामने कि कैसा देश और कैसा प्रदेश आप चाहते हैं। 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी, हमने 15 महीनों में, जिसमें से 2.5 महीने गए लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में, 11.5 महीने बचे, हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया, हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया, हमने अपना लक्ष्य बनाया, हम कृषि क्षेत्र में हम क्रांति लाएंगे। कर्जा माफ की बात करी पहले किश्त में, हमने यहां 1,13,000 किसानों का कर्जा माफ किया, हमने 100 रुपए से यूनिट बिजली दी, पेंशन बढ़ाई, ये 11.5 महीनों में बहुत सारी चीजें। कृषि क्षेत्र में कैसे मजबूती आए, किसान को भटकना ना पड़े। कांग्रेस का कार्यकाल था 13 महीने का, क्या किसान को भटकना पड़ता था खाद और बीज के लिए? ये आप प्रश्न आपसे पूछिएगा। हमने प्रयास किया कि नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रहे, मध्य प्रदेश की एक पहचान बने। आज के नौजवान में एक तरफ है, आज का नौजवान कोई ठेका या कोई कमीशन नहीं चाहता, आज का नौजवान तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है, और ये तभी होगा जब निवेश आएगा। जो तमिलनाडु और केरल में अपना सामान बेचता है वो पंजाब और हरियाणा में अपने उद्योग लगाते हैं, मध्य प्रदेश को क्यों ना आते, क्योंकि मध्य प्रदेश में विश्वास है, मध्य प्रदेश में विश्वास है। से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।